नमस्कार दोस्तों, मैं आपके मित्र डॉक्टर अर्चना। आज हम बात करेंगे कोई भी काम स्थगित ना करना और समय के पहले पूरा करना और उसके लाभ। फ्रेंड्स, जीवन है, बहुत सारे काम आते हैं और हमारे पास तमाम ढेर सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी कभी तो हम इंसान ही तो हैं, सोचते हैं कि चलो ये काम आज नहीं, ये कल कर लेंगे। लेकिन क्या कल कभी आता है? जो भी है बस यही एक पल है। गाना सुना है ना आपने? तो जब भी हम कल के लिए कोई चीज सोचते हैं तो हो सकता है कि कल हमारे आज के हिसाब से लगता है कि कल सुबह हमारे पास टाइम होगा, लेकिन कोई घर पर आ गया या किसी का फोन आ गया, या मान लीजिए तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा आराम चाहिए, मान लीजिए हमें वर्कआउट करने हम गए हैं जिम या पार्क या कहीं, तो वहां पर हमें वक्त लग जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो हम पहले नहीं सोच सकते मगर वो आती हैं, आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी काम सोचा करने के लिए अगर हमें किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट कल 10 बजे पड़ेगी तो उसकी तैयारी कल ना करके आज ही करके रख लें। उससे क्या होगा, मन में चैन हो जाएगा, हम चैन की बंसी बजाएंगे। सचमुच की बंसी नहीं, चैन की बंसी बजाना मतलब कि हम चैन से हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड हमारा हो जाएगा, नींद बढ़िया आएगी, अच्छा महसूस करेंगे, चिंता नहीं लगेगी हमें कि काम होगा कि नहीं, हमारा आत्मसम्मान बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, हमें अपने पर भरोसा भी बढ़ेगा कि जो भी काम मुझे दिया जाता है या मैं जो पिक कर लेती हूँ काम, वो मैं अच्छे से बिफोर टाइम बढ़िया से बढ़िया और जल्दी से जल्दी निपटा के रखती हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने छोटों से, चाहे अपने बच्चों से, चाहे छात्रों से, चाहे जूनियर्स से, सब लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि जो काम दिया गया वो करेंगे, तो वो तभी कर पाएंगे जब हम ऐसा एक उदाहरण उनके सामने खुद पेश करेंगे। ऐसा नहीं होता कि सबको कहो करने को और खुद ना करो तो भी दूसरा कर दे, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, अगर कोई हमें करते हुए देखेगा, अगर हम एक एज के हिसाब से एक जिम्मेदारी के पद पर हैं किसी भी तरीके से, चाहे घर पर चाहे ऑफिस में, तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते और वो मिलता भी नहीं है। तो आइए, हमारी उम्र कुछ भी हो लेकिन हम जो काम कल करना है वो आज करें, और जो आज करेंगे सोचा वो तुरंत करें, अभी करें, और फिर मौज करें, रोज मौज करें, आनंदित रहें, शांत रहें और आशावादी रहें, अपने आत्मसम्मान को अप रखें। ठीक है दोस्तों, आप भी फॉलो कीजिए, मैं भी करती हूं और आपसे जल्दी मिलती हूं। अभी के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।